नमस्कार आयुर्वेदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि जो नीट की रिजल्ट है वो आउट हो चुकी है, तो आप सभी को आपके जो मार्क्स हैं वो भी पता है, आप सबको आपके जो रैंक है वो भी पता है। इस तरह की बात है, रिजल्ट पता चल चुकी है आपको, और साथ ही अभी जो फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो मैं आपका ज़्यादा समय लेना नहीं चाहूँगा, वैसे भी समय का अभाव है। तो आज काम की बात हम ये करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी को हैप्पी दिवाली विश कर दूँ। दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी का जो भी रिजल्ट आया है उसके अनुरूप आप सभी को कॉलेज मिल पाए, जो आपके लिए बेस्ट है वो आपको मिले, यही मैं कामना करता हूँ। बाकी हम बात करते हैं कि जो GACH पटना है उससे रिलेटेड जो भी बच्चों को मन में डाउट्स आ रहा है, क्योंकि मैं उसी कॉलेज का स्टूडेंट हूँ, तो मैं वहाँ के बारे में आपको एग्जैक्ट जो डिटेल है लास्ट ईयर की वो बताने जा रहा हूँ। तो GACH पटना को लेकर एग्जैक्ट किस कैटेगरी की जो सीट है वो कितने रैंक पे जाके फिल हुई लास्टली, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी जो लिस्ट जो मैंने पोस्ट भी किया था कम्युनिटी पोस्ट में, उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। देखिए, कुछ बच्चों का मैसेज आ रहा है, ऐसी बातें आ रही है कि सर वो लिस्ट हमें आप सेंड कर सकते हैं क्या, सेंड कर दें। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, सेंड करने को मैं कर सकता हूँ, पर कुछ ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं या मुझे ऐसा सही नहीं लग रहा कि वो सारे के सारे लिस्ट, वो सारे के सारे नाम मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। इसलिए मैं आपको लिस्ट ना देकर उस लिस्ट के अंदर जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत सारे बच्चों के पास लिस्ट और कई सोर्सों से अवेलेबल है, और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी जो जान पहचान है वो है, वहाँ से वो लिस्ट वो ले सकते हैं, बट मैं ये लिस्ट प्रोवाइड नहीं करा सकता हूँ, इसके लिए सॉरी। बट उस लिस्ट के अंदर जो भी बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, OBC की सीट है वो लास्टली फिल हुई थी आपको कितने रैंक पे, 63153, यानी 63153 रैंक इस पे जाके लास्टली फिल हुई थी। और उस टाइम पे ये जो BC रैंक, बिहार की जो स्टेट रैंक थी, वो 34 रैंक थी, और इस स्टूडेंट की जो UR रैंक थी बिहार की, अनरिजर्व रैंक, वो 103 थी। बाकी अगर ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो 63153, यानी कि 63153 रैंक ऑल इंडिया कोटा से थी इस बच्चे की। देखिए, बिहार के जो भी मेडिकल कॉलेज हैं उसमें जो गर्ल्स का जो रिजर्व कोटा होता है, गर्ल्स कोटा होता है, उसके थ्रू जो भी सीट फिल हुई थी उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता रहा हूँ, जो कि इस बार बिहार में इंक्रीज हो गया है, गर्ल्स के लिए सीटें रिजर्व जो है वो ज़्यादा हो गई हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, लास्टली जो फिल हुई थी वो हुई थी 71908 रैंक, जो कि ऑल इंडिया रैंक थी। और अगर हम गर्ल्स कैटेगरी से उसकी रैंक की बात करें तो उसकी रैंक रिजर्व गर्ल्स कैटेगरी में 33 थी, और वो लड़की जिसकी भी एडमिशन हुई है उसकी EBC की रैंक 40 थी, और UR रैंक की हम बात करें तो उसकी UR रैंक बिहार की 139 थी, जबकि ऑल इंडिया रैंक मैंने आपको बता दिया 71908 उसका ऑल इंडिया कोटा का रैंक था, जो कि गर्ल्स कोटा के थ्रू उसको GACH पटना मिला। और अगर बिहार में EBC कैटेगरी की बात करें तो EBC की जो सीट हुई है वो अलॉट हुई है आपको 65153, जो कि ऑल इंडिया रैंक है, 65153 रैंक, ये रैंक है ऑल इंडिया रैंक की। और बिहार में अगर अनरिजर्व रैंक की बात करें, स्टेट रैंक की बात करें, 111, यानी कि 111 रैंक है, और EBC कैटेगरी में बिहार में इसकी रैंक 32 है। तो ये थी EBC की जो सीट अलॉट हुई। ऑल इंडिया रैंक की हम फिर से बात कर लें तो 65153। अब मैं SC कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, तो SC कैटेगरी की जो रैंक थी जो कि फिल हुई है वो है 224980, यानी कि 224980 ऑल इंडिया रैंक पे। इस बंदे की बिहार में SC रैंक 25 थी, और बिहार में यानी कि इसकी जो स्टेट रैंक थी वो अनरिजर्व्ड रैंक 541, यानी कि 541 थी। अगर हम ST की बात करें तो जो ST की सीट फुल हुई है वो लास्ट आपको फिल हो रही है, 216316 ऑल इंडिया रैंक था, और उस बंदे का बिहार में रैंक है 516, इस तरह की बात है ST कैटेगरी की। ये रैंक फिल हुई है ST की, ऑल इंडिया रैंक आप समझ रहे हैं 216000 के अप्रोक्स है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ EWS से रिलेटेड, तो EWS से रिलेटेड जो आपको लास्ट फिल हो रहा है वो हो रहा है 67166,
67,166 जो ऑल इंडिया रैंक है, इस पे EWS की लास्ट सीट फिल हुई थी और इसकी बिहार में रैंक थी 119 और EWS कैटेगरी से इसकी रैंक थी 31। अब अगर जनरल रैंक की बात करें तो जनरल जो स्टूडेंट लास्ट हुए हैं वो है 47,564 रैंक, यानी 47,564, ये आपको याद रखना है। इतने ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट फिल हुई है, जबकि ये EBC कैटेगरी के स्टूडेंट थे, बट इन्होंने जो एडमिशन लिया है लास्टली, वो जो लास्ट सीट थी अनरिजर्व की सीट जो थी वो इन्होंने फिल करी है। और इनकी बिहार में रैंक थी 62, स्टेट रैंक इनके 62 थी और ऑल इंडिया रैंक इनकी 47,564 थी, इसके अप्रोक्सी जनरल की रैंक फिल हुई है। अब देखिए ये सारे रैंक जो मैं बता रहा हूँ ये है ना मॉपअप से पहले की है, मैं आपको मॉपअप से जस्ट पहले तक की सारी बातें बता रहा हूँ। ये जो चार्ट थी इसके बाद कुछ सीटें जो रह गई वो मॉपअप में जाके फिल हुई हैं, अलग अलग कैटेगरी की जो सीटें खाली रही, वैकेंट रही, जो सीट हुई वैकेंट उन सभी को फिल किया गया था। तो इनके अलावा थोड़ा सा और सा रैंक को आप मान के चल सकते हैं, इनसे भी थोड़ा सा रैंक आपका गड़बड़ है तो भी आप अप्रोक्स मान के चल सकते हैं कि उनका एडमिशन हुआ था। बट ये जो लिस्ट है बिल्कुल वैलिड लिस्ट है, इसी लिस्ट के थ्रू ही हमने एडमिशन लिया था हमारे जूनियर्स का, तो इसके अकॉर्डिंग आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस रैंक पे क्या मिला था लास्ट ईयर और इस बार आपकी रैंक क्या है। मैं फिर से बता दूं, मार्क्स मैटर नहीं करता, रैंक ही मैटर करता है। तो रैंक ही आपके पास है क्योंकि सीट में कोई चेंजिंग नहीं आई है। GSCH पटना की 125 सीट लास्ट ईयर भी थी और 125 सीट इस साल भी है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़े रहिए आईवीएस के साथ। धन्यवाद।